इसको हम ना नकार नहीं सकते, क्योंकि ये सिर्फ पढ़ाई के क्षेत्र में नहीं, अलग क्षेत्र में भी ना लोग सच्चाई को अपनाते नहीं है। लेकिन सच्चाई को अपना करना अपने मेहनत के बलबूते पर, एकदम आंख लगाकर बोलना कि जो पढ़े हैं क्वेश्चन मेरा फंसेगा और जो मेहनत किए मेरा मेहनत रंग लाएगा, सच्चाई अपनाकर भले वो मुश्किल भरा रास्ता क्यों ना हो, चल कर देखिए। आज तक भगवान की दुआ से और आप सभी की दुआ से ना आज तक मैं ना के बराबर गलत हुआ हूं, और हो सके ना। एक्चुअल में क्या होता है, स्टार्टिंग में लोग डिसलाइक कर देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन रिजल्ट के दिन ना उनको लगता है कि वो बंदा सही बोल रहा है, और सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ सकते। अगर आपको कट ऑफ का अनुमान लगाना है आप भी लगा सकते हो, तो क्या है, आप देख लो वैकेंसीज कितना है, कितने फॉर्म फिलअप किए गए, पिछला कट ऑफ कितना गया है, इस बार तैयारी कर चलना कितना है, इसके आधार पर ही जो है वो एक कट ऑफ बनता है, और आप सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ सकते। मैंने 18 में ग्रुप डी को भी बताया था, जेई एएलपी आप देख लो, वीडियो पड़ा हुआ है, लोग ना 10,000 लाइक किए लेकिन उसमें 5,000 लोग डिसलाइक किए, सोचो। यानी जब मैं बताता हूं तो लोग डिसलाइक कर देते हैं, क्यों कर देते हैं भैया, क्योंकि सच्चाई को अपना नहीं पाते हैं, उनको लगता है 40 50 55 कर एग्जाम निकल जाएगा, लेकिन सच्चाई को आप मुंह नहीं मोड़ सकते, वो तो आपको देखना पड़ेगा। और आपको डरा नहीं रहा हूं, आपको मैं जगा रहा हूं, बता रहा हूं भाई, हाथ जोड़कर बोल रहा हूं, आपको डराने का बिल्कुल मकसद नहीं है। 2 महीना 3 महीना जो आपने मेहनत किया है ना उसका परीक्षा होने वाला एक दिन, और पिछले 2 महीना से पागलपन के हद तक ना आपके पीछे मैंने मेहनत किया है। एमटीएस ने भी दिखाया, बाबू जो पढ़ाए हैं क्वेश्चन फंसा है, ठीक है। और जीडी को भी मैं पिछले 2 महीने से मेहनत कर रहा हूं, और मैं हमेशा बोला हूं कि इतने का डाटा आप लेकर चलिए। अच्छा कट ऑफ क्या सकता है आप पहले देख लो, स्टार्टिंग में लोग कुछ भी बोल देते हैं लेकिन रिजल्ट आएगा ना उस दिन। लेकिन बाबू आप अभी भी कर सकते हो, जितने भी मेरे भाई बहन, छोटे मेरे भाई बहन देख रहे हैं, अभी भी आप बिल्कुल कर सकते हो, ज्यादा देर नहीं हुआ है। क्या करना है भैया, पहले देख लो, इस बार जो आपका भर्ती है ना वो 25,000 के लगभग है, लेकिन उसमें भी 10% जो है वो किसके लिए सीट दिया गया है, तो एक्स सर्विसमैन के लिए। तो अगर आप अनुमानित मोटा मोटी अगर बताओगे ना, तो भैया इस बार 22,500 जो है वो भैया सीट है एसएससी जीडी में। पिछली बार क्या था, पिछली बार इससे डबल सीट था फॉर्म, इस बार से अगली बार कम भरा गया था, यानी इसके पिछले बार सीट ज्यादा फॉर्म कम फिलअप किया गया, इस बार सीट एकदम आधा फॉर्म ज्यादा फिलअप किया गया है। अगर इस बार 22,500 आप सीट मानकर चलो, एक्स सर्विसमैन को निकाल देते हैं उसमें से, तो इस बार जो फॉर्म फिलअप किया गया, जो आरटीआई के द्वारा बताया गया है ना, 71,00,000 फॉर्म फिलअप किया गया है, मानकर चलते हैं 21,00,000 स्टूडेंट एग्जाम देने आपका नहीं आए, 50,00,000 भी एग्जाम देने आए। तो आप कैलकुलेटर एक बार खोल कर ना देख लीजिएगा, आप यहां से निकालिएगा ना कि 200 में एक बच्चा का भी लगभग सिलेक्शन हो रहा है मोटा मोटी, तो हजार में 5 बच्चा 5 नहीं 4 बच्चा मानना पड़ेगा, कैलकुलेशन निकाल लीजिएगा, 1,000 में 4 बच्चा। यानी इस बार अगर पूरा डाटा निकालोगे ना, 1,000 में 4 बच्चे 4.5 बच्चे के लगभग, 5 मान लो, मैंने आधा बढ़ा दिया, 5 बच्चों का सिलेक्शन हो रहा है। और ये आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा, अगर 50,00,000 एग्जाम देने आए, 21,00,000 देने नहीं आए तो ठीक है। दूसरी बात सुनिएगा, और अगर आप कैलकुलेशन निकालोगे ना, तो निकालिएगा प्रतिशत में कितना, तो इस बार रिजल्ट ना 0.45%, यानी 1% भी रिजल्ट नहीं है जिस हिसाब से फॉर्म फिलअप किया गया है। अब कट ऑफ क्या जा सकता है, देखो मैंने पिछले 2 महीना से बहुत पढ़ाया है, आप अभी कुछ भी बोल दीजिए, कुछ भी बोल सकते हैं, यूट्यूब है, कुछ भी बोलकर निकल जाइएगा, लेकिन बहुत ईमानदारी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बोलता हूं, ठीक है। आप जानते होंगे 6 साल से पढ़ा रहा हूं, गलत बात मैं नहीं करता। आप अगर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जीडी का भी 15 दिन है, आप मानकर चलो ना आपको 70+ कम से कम कर आना है बाबू, ये इतना आपको कम से कम कर आना ही है अगर रिजल्ट निकालना है तो। अगर इससे भी कम सोचे ना, मिनिमम 65 से कम नहीं कर सकते, ये भी नहीं बाबू, आपको इतना मानकर चलना पड़ेगा एग्जाम निकालने के लिए, आप एग्जाम के दिन देख लीजिएगा। अच्छा किसी किसी राज्य में ना थोड़ा 5-7 नंबर कम बेसी हो सकता है, आप पिछला कट ऑफ देख लीजिए कितना गया है, 88 82,
किसी किसी में 92, आप देख लीजिए वो तो ऑनलाइन देखने की चीज है। मैं बोल रहा हूं ना, लास्ट 15 दिन बच गया है आपके सामने बाबू, 4 सब्जेक्ट है। मैंने आपको कितना बार स्ट्रेटजी बताया है पिछले 2 महीना से पागलपन के हद तक ना, जीडी के लिए मैंने मेहनत किया है और मैंने एमटीएस में भी दिखाया, जो पढ़ाए हैं भगवान के आशीर्वाद से और आपके मेहनत के बलबूते पर ना वो क्वेश्चन फंसा है। और मैं बार बार बोला हूं कि एक रीजनिंग जो है ना वो आपका हथियार है बाबू, इसमें आपको अच्छा स्कोर करना है। इसमें ना 25 में ना बाबू आप 23 नंबर सब मार सकता है। 23 नंबर अगर आपको उठाना ही पड़ेगा, रिजल्ट 1% भी नहीं हो रहा है और ये पॉसिबल है, कमजोर बच्चा भी कर सकता है, मैंने एमटीएस में प्रमाण दिया है। उसके बाद मैथ, मैथ में बाबू मैंने आपको 8 वीडियो दिया है अभी कुछ दिन पहले से दे रहा हूं, और जितना सेट करवाएं उसको छोड़ दो। मैथ में ना अगर आप 18 नंबर भी स्कोर करते हैं तो एक अच्छा स्कोर माना जाएगा एग्जाम निकालने के लिए। उसके बाद आता है आपका जीके और करेंट अफेयर। आप बताओ मुझे, एमटीएस का एग्जाम हुआ, एनटीपीसी का एग्जाम हुआ, किसी भी एग्जाम में जो मैंने करेंट, जो मुझसे पढ़े हैं, करेंट अफेयर क्वेश्चन बाहर बनता है, क्योंकि करेंट अफेयर के लिए मैं रात रात भर जग जग कर बहुत मेहनत करता हूं आप सभी के लिए। आप ये नहीं बोल सकते भैया आपका करेंट अफेयर पढ़ कर गए और क्वेश्चन नहीं बना, बहुत ईमानदारी से बोल रहा हूं मैं ये बात, जितने भी मेरे भाई बहन देख रहे हैं आप ये बोलिएगा, ईमान बहुत मेहनत करता हूं मैं करेंट अफेयर के लिए। तो करेंट अफेयर और साथ में जो आपको स्टैटिक जीके का नोट्स दिए थे, आज भी बोल रहा हूं मैं इस वीडियो में खड़ा होकर, पूरा रिजल्ट जिस दिन एग्जाम होगा ना, आप सेंटर से निकलोगे उस दिन भी आप देखना बाबू, मेरे नोट से ना आपका 80% क्वेश्चन यानी 20 नंबर आपका कहीं नहीं गया है, जितना मैंने आपके पीछे मेहनत किया है। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, जुलाई छोड़ दो, 3 महीना, 3 महीना पागलपन के हद तक मेहनत किया है। पिछले 10 साल का पेपर खोल खोल कर जो रिपीटेड क्वेश्चन है वो मैंने आपको करवाया है, कौन कौन क्वेश्चन बन रहा है वो करवाया है, करेंट अफेयर का चप्पा चप्पा छान मार कर करवाया है और पूरा प्रमाण एमटीएस में दिखाया। देखो क्वेश्चन बना, यूपी टेट में फंसा, वेस्ट बंगाल पुलिस में फंसा, मैं अभी भी बोल रहा हूं जीडी में भी आएगा, निश्चित है जीडी में आएगा, लेकिन आप पढ़ कर जाना। कल मैं वीडियो बनाऊंगा कि 15 दिन में अंतिम में आप क्या कर सकते हो, आप जो भी मेहनत किए ना बाबू, जो भी मेहनत किए हो 3 महीना में ना, 4 महीना में उसका एग्जाम होने वाला है। और उम्मीद करते हैं जब आप एग्जाम की तैयारी करना स्टार्ट किए होंगे तो पिछला कट ऑफ पूरा पेपर एनालाइज कर तैयारी स्टार्ट किए होंगे कि मुझे इतना का डाटा लेकर चलना है एग्जाम के दिन तक, ये आपने किया होगा, एक बेहतरीन स्टूडेंट का ये फर्ज बनता है ऐसा करना। प्लस आप एक काम और करना, जितने लोग भी देख रहे हैं आप ना, डेली एक मॉक टेस्ट लगा कर जाना, डेली आप कम से कम 15 मॉक टेस्ट आप बाबू लगा कर जाओ, बहुत फायदा देगा, आप मेरा बात याद रखिएगा भाई, बहुत फायदा देगा 15 मॉक टेस्ट आप लगा कर जाना। और हर मॉक टेस्ट में ना कम से कम अपने आप को एनालाइज करना कि कितना हम स्कोर कर पा रहे हैं, कौन से टॉपिक में हम स्कोर नहीं कर पा रहे हैं, कैसे करना है इसकी मॉक टेस्ट को लेकर ना कल मैं एक वीडियो दूंगा बहुत शानदार बहुत जानदार, कि आप एनालाइज कैसे करोगे अंतिम के 15 दिन में ना, ये पूरा डाटा मैं बताऊंगा। हालांकि कटअप देखने के बाद आज लोग गाली भी दे देंगे, डिसलाइक कर देंगे, ये होता है, ये ह्यूमन नेचर है, इसको ना एक्चुअल में ये होगा, ये इसको हम ना नकार नहीं सकते, क्योंकि ये सिर्फ पढ़ाई के क्षेत्र में नहीं, अलग क्षेत्र में भी ना लोग सच्चाई को अपनाते नहीं है, लेकिन सच्चाई को अपना करना अपने मेहनत के बलबूते पर एकदम आंख लगाकर बोलना कि जो पढ़े हैं क्वेश्चन मेरा फंसेगा और जो मेहनत किए मेरा मेहनत रंग लाएगा, सच्चाई अपनाकर भले वो मुश्किल भरा रास्ता क्यों ना हो चल कर देखिए, रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आएगा, ये आप सभी का, मैं सच्चाई के साथ बोल रहा हूं, कोई झूठ नहीं बोल रहा हूं मैं आप सभी के लिए। रात को 10 बजे मुलाकात होगी, हालांकि रात को 10 बजे रीजनिंग का मैं रेगुलर क्लास करवा रहा हूं रेगुलर, और 1 नवंबर से ना ये भी मैंने बोल दिया है, 1 नवंबर से ना मैं कम से कम ना 10 गो, कम से कम 1 नवंबर से एग्जाम तक ना 10 बहुत लाजवाब सेट कराऊंगा आपको मैथ का, शाम को 6 बजे, 1 नवंबर से, 1 नवंबर से शाम को 6 बजे एक्सपेक्टेड अति संभावित क्वेश्चन के साथ
आपके एग्जाम के लिए एक मैथ का सेट कराऊंगा। आप कुछ नहीं ना, अगर आप मुझसे नहीं भी पढ़े हैं ना, ये सिर्फ 10 सेट देखकर जाना। आप बोलिएगा अगर भैया से पूरा पढ़ लेते ना तो मैथ में उतना स्कोर कर पाते जितना सोचे भी नहीं थे। अंतिम 10 दिन में भैया सिर्फ सेट करवा कर ना 13 से 14, 15, 16 नंबर दिलवा दिए मत 10 दिन में पढ़ा कर। कोई बात नहीं, अभी भी आपके पास टाइम है, अभी भी आप कर सकते हो। मैं तो ये बोल रहा हूं, लेट नहीं हुआ है, टाइम चला गया, लेकिन सबसे बड़ी बात है अभी भी टाइम आपके पास है। ठीक है, सभी को बेस्ट ऑफ लक, एग्जाम बहुत अच्छे से दो ताकि रिजल्ट इस बार आपकी गोद में हो, आपके मां बाप के पास हो। ठीक है।